घर बनाते समय जब टाइल्स लगाने की बारी आती है और खासकर जब फ्रंट में टाइल्स लगाने का काम हमारे पास आता है तो बहुत से लोग असमंजस में पड़ जाते हैं वे ये सोच विचार करने लगते हैं कि फ्रंट में कौन सा टाइल्स सही रहेगा या टाइल्स के जगह पे कुछ और लगाएंगे तो सही रहेगा साथियों आज कल अलग अलग डिजाइन वाले टाइल्स हर घर की ज़रूरत बन चुका है जिसके लिए बाज़ार में अनगिनत स्टाइल के टाइल्स मौजूद है टाइलेट टिकाऊ तो होती ही है इसका रख रखाव भी आसान होता है और इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है आप अपने घर के हिस्से में टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं लेकिन लोग खास तौर पर घर के सामने की दीवार या फ्रंट एलिवेशन के लिए बात करें तो टाइल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बात करें अगर रिहायशी इमारतों के साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग के लिए भी यह विकल्प सबसे सही साबित होता है अगर आप अपने घर के लिए सही टाइल्स को चुनने के बारे में असमंजस में है तो आज का वीडियो आपको जरूर गाइड करेगा और आज के वीडियो से आपको मदद मिलेगा अब आप अपने फ्रंट एलिवेशन के लिए टाइल्स से जरूर सेलेक्ट कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे कभी कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे फ्रंट एलिवेशन के लिए सबसे अच्छी टाइल्स वाला जो डिजाइन है या सबसे अच्छा साइज क्या है जो हमारे घर के लिए सुटेबल हो आमतौर पर लोग मॉडल फ्रंट वॉल टाइल्स डिजाइन के लिए नेचुरल स्टोन का उपयोग करते हैं यह तो सभी जानते हैं कि स्टोन क्लैंडिंग बहुत महंगा होता है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है इसके साथ ही ये बदलना भी बहुत अधिक मेहनत वाला काम होता है और इसलिए नेचुरल स्टोन वॉल स्टाइल की विकल्प सबसे बेहतर है लेकिन यह महंगा है नए जमानों के घरों में खास तौर पर एक फ्लैट और अपार्टमेंट के पुराने टाइल्स को बदल कर नेचुरल स्टोन वाले जो टाइल्स आते हैं वे लगाए जा सकते हैं बाज़ार में बाहरी दीवारों के लिए नेचुरल स्टोन के लिए डिज़ाइन वाले कई तरह के टाइल्स या एलिवेशन टाइल्स उपलब्ध हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए ऐसे डिज़ाइन वाले टाइल्स को पसंद करें जो कि आपको पसंद और आपके जो बजट है उसके साथ मेल खाता हो अब बात करें भारत में घर बनाने के लिए ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए भारतीय घरों में यानी हमारे यहाँ जो घर बनाए जाते हैं उसमें ईंट की तरह दिखने वाले टाइल्स का बहुत पैमाने पर यूज़ किया जाता है अपने घर को फ्रंट वॉल एलिवेशन टाइल्स डिजाइन से सजाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ लाल रंग के ईंटों वाले जो टाइल्स के डिजाइन आते हैं उसी का यूज करें आज के टाइम अगर बात करें तो बाज़ार में बहुत से अलग अलग रंग में दिखने वाले जो कि टाइल्स के और डिजाइन के तरह दिखता है ऐसा टाइल्स उपलब्ध है तो अगर आपको ऐसा टाइल्स डिजाइन पसंद है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं जो लोग अपने घर के सामने की दीवार यानी फ्रंट एलिवेशन पर ट्रेडिशनल लेकिन आज के ज़माने के स्टाइल वाले स्टाइलिश टाइल्स लगाना चाहते हैं वे मार्बल की तरह दिखने वाले वॉल टाइल्स का विकल्प चुन सकते हैं जी हाँ साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया ईंट के तरह दिखने वाले भी टाइल्स आते हैं उसी प्रकार से मार्बल के जैसे दिखने वाले भी टाइल्स आता है और हम सभी जानते हैं मार्बल का जो जादू है वे हम सभी के ऊपर किस प्रकार से हावी है हम सभी को मार्बल कितना अट्रैक्ट करता है और कितना मार्बल का डिज़ाइन अच्छे होते हैं तो अगर आपको मार्बल पसंद है तो मार्बल के तरह ही दिखने वाले टाइल्स और बहुत सारे आते हैं ऐसे डिज़ाइन के साथ आप जा सकते हैं और आप अपने फ्रंट एलिवेशन में मार्बल की तरह दिखने वाले टाइल्स लगा सकते हैं इसके अलावा लकड़ी की खूबसूरती और इसके आकर्षण की भी कोई जवाब नहीं है जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी के टाइम पे फ्रंट टेलीविज़न में खासकर बात करें बड़े बड़े अपार्टमेंट में तो वहाँ पर लकड़ी के जैसे दिखने वाले टाइल्स जो कि थोड़ी लंबी होती है लंबी का मतलब है जिसकी लंबाई करीब चार फीट तक होती है और चौड़ाई की बात करें तो एक फीट या नौ इंच दस इंच का इस प्रकार के जो टाइल्स होते हैं जो कि हु लकड़ी के जैसे दिखता है जो कि काफ़ी आकर्षण लगता है देखने में तो ऐसे टाइल्स के साथ भी हम जा सकते हैं बड़े आसानी से इस प्रकार के टाइल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं अभी के समय 3D जो टाइल्स आते हैं उसके भी प्रचलन काफ़ी बड़े हैं और ये भी अभी ट्रेंड में है तो आप अपने घर के फ्रंट एलिवेशन के लिए 3D जो डिज़ाइन वाले टाइल्स आते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है काफ़ी देखने में सुंदर लगता है तो अगर आपको थ्री डी में पसंद है थ्री डिज़ाइन वाले टाइल्स पसंद है तो आप थ्री टाइल्स भी अपने फ्रंट एलिवेशन में लगा सकते हैं बहुत ही ये भी खूबसूरत दिखता है आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्रंट वॉल स्टाइलिश डिज़ाइन के अलावा भी मेन गेट के लिए भी अलग अलग तरह के डिजाइन बाजार में उपलब्ध है तो आइए एक बार हमारे गेट के आसपास जो टाइल्स लगता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं अब साथियों फ़्लावर किसे पसंद नहीं है तो अभी जिस स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ वे फ्लावर स्टाइल वाले जो टाइल्स आते हैं जो कि हमारे गेट के आसपास हम लगा सकते हैं काफ़ी सुंदर दिखता है और ये बाकी टाइल्स के मुकाबले थोड़ा ये सस्ता होता है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है तो हमारे गेट के आसपास के जो हिस्से हैं वहाँ पर हम फ्लावर वाले टाइल्स लगा सकते हैं जो कि किफ़ायती कम बजट में हमारे को मिल जाता है इसके अलावा साथियों हनी कॉम टाइल्स भी आ, मार्केट में होता है जिसे लोग हेक्सागोनल टाइल्स भी कहते हैं किसी भी घर को लग्जरी लुक देने के लिए या साधारण सिंपल घर को अव्वल दर्जे के घर बनाने के लिए इस टाइल्स का लोग यूज़ करते हैं आपको कुदरत में हर तरफ इसकी खूबसूरती दिखाई देती है जिसमें मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर ड्रैगन फ्लाई की आकर्षण आंखें और शीप से लेकर स्नोफॉल तक शामिल है इस तरह के टाइल्स की फिनिशिंग कभी पुरानी नहीं होती है और ये आज के ज़माने में इंटीरियर डिज़ाइनों में सबसे लोकप्रिय बना हुआ है हाँ लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन अगर एक साधारण घर को बहुत खूबसूरत बनाना है तो पैसे तो थोड़ा खर्च करना ही पड़ेगा इसके अलावा बात करें तो ज़्यादातर जो मेट्रिक टाइल्स कई तरह के फिनिशिंग में उपलब्ध होते हैं जिनमें से मैट फिनिश आते हैं मेटेलिक और ग्लासी फिनिश भी शामिल है आमतौर पर ऐसे टाइल्स पर पानी और दाग धब्बे का कोई असर नहीं होता है इसलिए उन्हें बहुत कम रख रखाव की ज़रूरत होती है तो अगर आप ऐसे टाइल्स की खोज में हैं जिस पे कि अगर किसी प्रकार के दाग धब्बे लग भी जाए तो उसे साफ़ करना बेहद आसान हो और आसानी से साफ हो जाए तो आप इस प्रकार के टाइल्स लगा सकते हैं जो कि ज्योमेट्रिक टाइल्स होते हैं जिन लोगों को मॉडर्न और आज के ज़माने के डेकोरेशन स्टाइल की टाइल्स पसंद है या ऐसे टाइल्स लगाना पसंद करते हैं जो कि आज के हिसाब से चल रहा है तो ऐसे लोग एब्स्ट्रैक्ट टाइल्स की विकल्प चुन सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइल्स अनगिनत पैटर्न डिजाइन और आकारों में उपलब्ध होता है जिनका इस्तेमाल दीवारों या फर्श दोनों के लिए किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट टाइल्स अपने बेमिसाल कलाकारी बनावट और बेहतरीन सामंजस्य के कारण से किसी भी कमरे के माहौल को शानदार बना सकता है इन टाइल्स का डिजाइन बिल्कुल ओरिजिनल होता है और इसके साथ ही मन को लुभाने वाली इसकी बनावट होती है और बारीकी से तैयार किए गए पैटर्न की वजह से घर के किसी भी हिस्से में अगर इसे लगाते हैं तो इसका जो रंग रूप है वे एकदम अलग होता है और घर का नज़ारा काफ़ी शानदार होता है इसके अलावा आसमान के सतह की तरह दिखने वाले जो टाइल्स होते हैं ऐसे डिज़ाइन में मार्केट में उपलब्ध है तो ऐसे जो डिज़ाइन वाले टाइल्स हैं या टेक्चर टाइल्स होते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर घरों के मालिक डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट ऐसे विकल्प को चुनना पसंद करते हैं जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ उनकी ज़रूरतों के अनुरूप और अच्छा दिखने के साथ साथ दीवारों को थ्री डायमेंशन लुक देती हो जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं तो आप ऐसे टाइल्स भी अपने घर में लगवा सकते हैं इसके अलावा पॉप अप कलर डिज़ाइन की टाइल्स इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हैं ये टाइल्स दीवार के लिए स्वर्ग में बनी जोरी की तरह है जो बड़ी जगहों के साथ साथ आरामदेह स्थानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है आपका कमरा चाहे जैसा भी हो चाहे कितना छोटा या बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पॉपअप रंग वाली टाइल्स पसंद है तो यह डिजाइन आपके लिए है आप होम डेकोरेट में भी अपनी थीम और अपने पसंद स्टाइल के आधार पर पॉपअप रंग वाली टाइल्स चुन सकते हैं जो हर मौके के लिए माहौल को बिल्कुल अलग और शानदार बना सकता है ऐसे टाइल्स कम जगह वाले कमरों के लिए तो आप चाहे तो ऐसे टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा एक टाइल्स और है जो की है मोजेक टाइल्स इसका जो स्टाइल है वे लाजवाब होता है साथ ही ये बेहद टिकाऊ होते हैं इसके रंग काफी गहरे होते हैं और बनावट बेहद शानदार होता है और इसी वजह से ये किसी भी कमरे या जगह में नई जान डाल देता है आमतौर पर लगभग के मुझे टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स फ्रंट एलिवेशन और इसके साथ ही हमारे कुछ घर के दीवारों पर भी जो टाइल्स लगाने के जो आइडिया है वे मैंने आपके साथ शेयर किया है मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव है टाइल्स से, से रिलेटेड खासकर फ्रंट एलिवेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी कोडिश होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद